बिना गैस जलाए और बिना दूध के आज हम बनाने वाले हैं मार्केट से भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी डिलीशियस वनीला आइसक्रीम, जो कि बनाना बच्चों का खेल है। सिर्फ 2 मिनट में आप बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम भी इसे बना लेते हैं और आप देखिए और इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने ले लिया है फ्रेश क्रीम, अमूल का लिया है मैंने, आप किसी और ब्रांड का ले सकते हैं। और आपको आसानी से ये जो फ्रेश क्रीम है ना, वो ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। तो जब भी आपको आइसक्रीम बनाना है तो क्रीम को फ्रीज में रख दीजिए कम से कम 2 घंटे के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो क्रीम ऊपर की ओर आ जाएगा डब्बे के, और जो वाटर होता है, पानी होता है, वो नीचे की ओर चला जाएगा। तो आपको सिर्फ क्रीम लेना है मिक्सी के जार में, पानी नहीं। तो 1 कप मैंने क्रीम लिया था, 1/4 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर चीनी का पाउडर। और वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस ड्रॉप डाल देंगे हम 5 से 6 बूंद। और अब इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्रॉदी एंड क्रीमी हमारा आइसक्रीम का मिक्सर बन करके रेडी हो गया है। आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल भी वाटरी नहीं है। और इसीलिए अगर इसमें अगर पानी का कंटेंट होता ना, तो ये इसमें आइस क्रिस्टल आ सकता था, लेकिन इसमें कुछ भी मतलब पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनता है। और अब एयर टाइट कंटेनर लेंगे हम और इसमें सारा का सारा मिश्रण हमें डाल देना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब कि क्रीमी है, दिखने में ही लग रहा है ना। और बिल्कुल सिल्की सा बैटर बन करके हमारा रेडी हुआ है आइसक्रीम का। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, 2-3 बार टैप कर दीजिए। अगर एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा, ऊपर से हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो डायरेक्टली आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए, और है तो फिर लगा दीजिए। और अब मैंने इसका ढक्कन भी लगा दिया है, पूरे रात भर के लिए मैं इसे रख दूंगी फ्रीजर में, या 6 से 7 घंटा आपको रखना है इसे सेट होने के लिए। यहाँ पर पूरे रात भर के लिए रखने के बाद हम चेक कर लेते हैं खोल करके। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना एकदम परफेक्ट वनीला आइसक्रीम बन करके हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट जैसा हम इसे स्कूप आउट करें, तो इस तरीके का जो आइसक्रीम निकालने का स्कूप है ना, वो आपको मिल जाएगा, तो उसे जरूर से परचेस कर लीजिएगा। गर्मी के मौसम में अगर आप आइसक्रीम घर पे बनाते हैं और इस तरीके से सर्व करेंगे ना, तो मतलब डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों से। इतना बढ़िया टेक्स्चर, टेस्ट ऑसम आता है, मतलब मार्केट के वनीला आइसक्रीम से भी कई गुना ज़्यादा बेटर इसका टेस्ट होता है। हमने इसे क्रीम से बनाया है तो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा लग रहा है हमारा वनीला आइसक्रीम, यहाँ पर रेडी हो चुका है बन करके। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। और आपको मैं इसका पास से बिल्कुल टेक्सचर दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आए, एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बन करके हमारा रेडी हुआ है। तो इसे ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स द्वारा ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर मैं इसी तरीके से नई नई रेसिपी लेकर आती हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।